कश्मीर में अब आतंकी आएंगे तो चुन चुन कर मारे जाएंगे। बीते कई महीनों से घाटी के लिए ये बात सच साबित हो रही है। कल देर शाम तक जम्मू कश्मीर के 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिसमें 3 अक्टूबर को श्रीनगर में जो बीएसएफ कैंप पर हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड खालिद भी शामिल है। इस साल अब तक सुरक्षा बल 164 आतंकियों को मारकर ये संदेश, ये मैसेज दे चुके हैं कि आतंक का अंत अब तुरंत होगा। जम्मू कश्मीर में हिजबुल और जैश के आतंकियों की ऐश अब खत्म हो रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक दिन के भीतर 4 आतंकियों को मार गिराया। जो 4 आतंकी मारे गए उनमें जैश ए मोहम्मद का कमांडर और पाकिस्तान का आतंकी खालिद शामिल है। खालिद के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी जाहिद मीर, आसिफ और इरफान को भी सुरक्षा बलों ने धरती की जन्नत कश्मीर से जहन्नुम पहुंचा दिया। आर्मी 32 आरआर, सीआरपी 179, 177 और 92 बटालियंस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करा और उस इलाके का मुहासरा करा, और उसमें एक मुख्तसर से ऑपरेशन में गोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद एक मिलिटेंट मारा गया। बाद में ये मिलिटेंट आइडेंटिफाई हुआ जिसका नाम है खालिद अलियास शाहिद शौकत। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी खालिद खुलेआम सोपोर में घूम रहा था। दरअसल पुलिस और सुरक्षा बलों को जैश आतंकियों की लोकेशन मिली, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सोपोर के लाडोरा में जैश का आतंकी खालिद सड़क पर मिल गया। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने रोका तो उसने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आतंकी खालिद को कुछ गोलियां लगी। घायल आतंकी खालिद पास में एक स्कूल में जाकर छिप गया, मगर खून के निशान के जरिए सुरक्षा बल के जवान स्कूल तक पहुंच गए। स्कूल में कुछ ही मिनट में आतंकी खालिद को मार गिराया गया। खबर मिली थी कि एक जैश का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है जिसका नाम खालिद है, वो इस वक्त लडूरा में स्पॉट किया गया है। तो हम लडूरा में एक कोवर्ट पार्टी लॉन्च की हमने 6 अफसरों की, जिसमें एक डीएसपी ऑपरेशन हेड कर रहा था, उसके साथ बाकी जवान थे, और हमने यहाँ आके इसको चैलेंज किया। ये यहाँ स्कूल के सामने एक जगह पे चल रहा था, ये पैदल चल रहा था और हमने इसको आके चैलेंज किया। जब हमने इसको चैलेंज किया, इसने भागा और इसने पार्टी पे ग्रेनेड मारा। हमने उस घर को घेर लिया और उस घर में ये ब्रीफ एनकाउंटर के बाद मारा गया। खालिद की तलाश सुरक्षा बल पिछले कई दिनों से कर रहे थे और 3 अक्टूबर को श्रीनगर के बीएसएफ कैंप पर हमले के बाद उसकी तलाश तेज हो गई, क्योंकि खालिद ही इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैश के आतंकी खालिद ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, फिलहाल वो नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में एक्टिव था। 1 महीने पहले पुलिस लाइन पर हमले के पीछे भी खालिद था। और इस आतंकवादी ने काफी जो है दहशत गर्दाना वारदातों को अंजाम दिया में हंदवाड़ा इलाके में, सोपोर इलाके में, और ये इन्वॉल्व सिविलियन किलिंग्स, पुलिस पर्सनल किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक में भी मुलव्वित रहा है। और इसने कई फिदाइन अटैक्स और उसमें भी इसने अपना प्लानिंग में और उसके एग्जीक्यूशन में इसका काफ़ी रोल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी भी घाटी में जैश ए मोहम्मद के करीब 10 से 12 आतंकी ही सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों में जैश के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया, वो बताता है कि इनका नंबर भी जल्द आएगा। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने कुल 164 आतंकियों को मार गिराया है। जाहिर है सुरक्षा बलों का संदेश साफ है, जो आतंकी आएगा वो मारा जाएगा, यानी वो धरती की जन्नत कश्मीर आएंगे और यहां से लौटकर जहन्नुम जाएंगे। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।